दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय डॉक्टर वाई एस परमार गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाहन। पौंटा साहिब में शिलाई नेशनल हाईवे 707 23 दिन बाद लोगों के लिए शनिवार को देर शाम एनएच विभाग ने खोल दिया। यह मार्ग सुबह 6 बजे से शाम बजे तक छोटे बड़े वाहनों के लिए खुला रहेगा। पौंटा के एसडीएम विवेक महाजन और डीएसपी पौंटा बीर बहादुर एनएच विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर ने भी मौके का जायजा लिया। बता दें कि पौंटा साहिब शिलाई नेशनल हाईवे 707 बड़वास के पास कालीढांग के पास भूस्खलन होने के कारण 700 मीटर का हिस्सा ध्वस्त हो गया था, जिससे नेशनल हाईवे पूर्ण रूप से बंद हो गया है, जिस कारण शिलाई विधानसभा क्षेत्र के 50 पंचायतों के सैकड़ों गांव के ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ी। आज सारी इंस्पेक्शन टीम आई थी देखने के लिए। हमें बताया गया कि रास्ता जो है वो खोल दिया गया है, तो उसके लिए जो पूरी टीम है वो आई हुई है, जिसमें कि डीएसपी साहब हैं, एक्सएन पीडब्ल्यूडी हैं और एसडीओ पीडब्ल्यूडी हैं और एचआरटीसी के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, और यहाँ पे जो कंपनी काम कर रही है उनके भी जो यहाँ मैनेजर हैं वो भी यहाँ पे ही हैं। तो अभी उनके साथ जो है सारा निरीक्षण किया गया, तो जो गाड़ियाँ हैं वो भी क्रॉस करवाएंगी, और गाड़ियाँ अभी जो हैं अभी तो वो आराम से जो हैं वो निकल गई हैं, और छोटी गाड़ियां भी रुक गई हैं, निकल गई हैं अभी। और थोड़ा सा ये डिसाइड किया गया कि गाड़ियों को जो है छोटी गाड़ियां जो हैं उन्हें आवाजाही का जो है वो अलाउ कर दिया जाए, और वो सुबह 6 बजे से जब लाइट हो जाती है उससे लेके शाम को 7 बजे तक जो है आवाजाही चलती रहेगी, और ये बीच बीच में गैप्स में छोड़ेंगे ट्रैफिक, ताकि काम भी चलता रहे और ट्रैफिक भी ना रुके, ऐसा कमेटी का जो है वो अनुमोदन है। और बाकी ये जो रिपोर्ट है वो डीसी साहब को भेज दी जाएगी, और फिर जैसे उनके निर्देश होंगे उसके अनुसार जो है वो अनुपालना की जाएगी। बसेस का भी ट्रायल तो करवा लिया है, बसेस भी जो थी वो निकल गई हैं, तो ये निर्णय लिया गया कि बसेस भी खाली करके ताकि उन पर लोड ना हो, तो उसको भी जो है वो किया जा सकता है, बट कंट्रोल्ड रेगुलेटेड वे में। और डीएसपी साहब ने यहाँ पे दोनों तरफ जो है पुलिस का इंतजाम कर दिया है, और पुलिस को सेट वगैरह भी दे दिए हैं, और वो 24/7 यहाँ रहेंगे। यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे एक वो टीन शेड भी बना दिया जाएगा कंपनी द्वारा, ताकि उसमें जो है पुलिस वाले और जो कंपनी के जो लोग हैं वो भी यहाँ रहेंगे, और एक मशीन जो है जेसीबी और पॉर्कलेन मशीन जो है वो यहाँ पे 24/7 रहेगी, रात के लिए भी रहेगी, और अगर रात में अगर ज़रूरत पड़े कोई एम्बुलेंस वगैरह की तो उसको रात में भी बजाय जो 6 से 7 बजे तक का टाइम फिक्स है उसके अलावा भी जो है उसे जाने दिया जाएगा। पूरा दिन जो है इंटरवल्स में जो है गाड़ियों को अलाउ करते रहेंगे। ये सर कितने दिन लग गए थे इसको खोलने में? ये तो बिल्कुल आपने देखा था कि ये पूरा का पूरा सड़क वॉश आउट हो गई थी और पूरा का पूरा पहाड़ निकल आया था, लेकिन कंपनी ने बहुत अच्छा काम करते हुए और ऑलमोस्ट 7-7 मशीन्स जो है एक बार में लगाई हैं, और उसकी वजह से जो है ये अराउंड 10-12 दिन लग गए हैं खोलने में, और उसको खोल दिया। उसमें भी कई दिक्कतें आई, जैसे बीच में एक हार्ड रॉक का जो था हार्ड रॉक आ गई थी पूरे के पूरे काफ़ी बड़े स्टाटा में, तो उसको क्योंकि ये ग्रीन रोड है तो इसको ब्लास्टिंग वगैरह कर नहीं सकते थे, तो उसको कटर वगैरह से तोड़ना पड़ा, उसमें भी जो था थोड़े दिन लग गए, तो फिर भी जो कंपनी ने अपने ऑप्टिमम तरीके से जो है काम किया। सर बड़ी गाड़ियों का क्या रहेगा सर रात को? नहीं, बड़ी गाड़ियाँ और छोटी गाड़ियाँ सभी बंद कर दी जाएंगी 7 बजे के बाद, क्योंकि रात को पता नहीं लगता कभी मौसम ख़राब हो गया या कुछ हो गया, तो ऐसे ना हो कि कोई गाड़ी फंस जाए, तो कुछ दिन के लिए 1-2 दिन के लिए जो है अभी फ़िलहाल जो है वो ये डिसीजन लिया गया कि रात को सिर्फ एम्बुलेंस के अलावा और किसी को भी जो है अलाउ नहीं करेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पौंटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट।